क्यों मानू मैं, किस लिए? हातिम कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी हर बात मानती हो, लेकिन नहीं, ना तुम जानती हो ना वो कि जिद और हर धर्मी में तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। मॉम मैं स्टबन जरूर हूँ, बट जस्ट फॉर माय ओन मैटर्स आई एम नॉट लाइक डैड, जिन्हें दूसरों की लाइफ का स्टीयरिंग हैंडल करने का बहुत शौक है। और चले मान ले जैसा पापा सोचते हैं वैसा ही है, मेरी लाइफ में कोई है और उसे मैं लाइक करती हूँ, तो क्या वो मेरी शादी करा देंगे उससे? Never. अरे क्यों नहीं करवाएंगे, मैं करवाऊंगी, मैं स्टैंड लूंगी तुम्हारी खातिर। Really? हाँ मॉम तो यही कह रही थी। ग्रेट, तो तुम मॉम को कह दो कि तुम किसी को लाइक करती हो। मैं ऐसा क्यों कहूँ और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बाबा के इतने क्लोज हो, और वैसे भी बाबा सिर्फ ये पोज कर रहे हैं। लेकिन सहरा तुम चांस तो ले सकती हो ना, तुम क्या चाहती हो? आई मीन तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई इशू नहीं, और तुम मेरे लिए बाबा के अगेंस्ट क्यों जाओगी? मैं बाबा के अगेंस्ट नहीं, उनकी फेवर में बात कर रही हूँ, और वैसे भी वो अपने फादर और भाई को लेकर बहुत टची हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो, या फिर तुम्हारी वजह से उन्हें पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो, और मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरी साइड ले रही हो। जब मैंने सबसे कह दिया कि मुझे किसी की पसंद से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, उसके लिए मुझे कोई भी ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं। ड्रामा? ड्रामा ही हुआ ना, जब मेरा किसी में कोई लव इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, मैं क्यों ड्रामे करूं? लेकिन सहरा कोई ऑप्शन तो होगी ना, या फिर कोई ऐसा जो तुम्हें लाइक करता हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश हो, सोचो। कोई नहीं है।